आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वर्ष 2022 के आखिर तक कच्चे तेल के दाम मौजूदा स्तर से करीब 35% ज्यादा $100 प्रति बैरल तक पहुंचने की संभावना है। विश्लेषकों का मानना है कि कोविड के ओमिक्रॉन स्वरूप की वजह से अगर मांग में कोई रुकावट आती है तो भी ऐसा होने के आसार हैं। विश्लेषकों ने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन बेतहाशा फैलता है तो इसका असर वर्ष 2022 की पहली छमाही में सबसे ज्यादा महसूस किया जाएगा, क्योंकि सरकारों ने इस नए स्वरूप का प्रसार रोकने के उपायों को सख्त कर दिया है। अलबत्ता कोई भी लॉकडाउन स्थानीय स्तर पर तथा और ज्यादा लक्ष्यबद्ध रूप से किए जाने की संभावना है और तेल की मांग पर असर पहले के मुकाबले और ज्यादा हल्का रहने के आसार हैं। वहीं गोल्डमैन सैच में ऊर्जा अनुसंधान प्रमुख डेमियन कोरवलिन ने कहा है कि तेल की मांग जो कुछ वक्त के लिए $100 बैरल प्रतिदिन के कोविड से पहले के स्तर तक पहुंच गई, वह वर्ष 2022 के अधिकांश भाग के लिए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर होगी। जेट ईंधन की मांग को छोड़कर डीजल और गैसोलीन की मांग पहले से ही रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रही है। इस बात की संभावना है कि वर्ष 2022 के दौरान तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वर्ष 2022 के अंत में ऐसा होने के आसार ज्यादा हैं। हालांकि तेल की कीमतें अक्टूबर 2021 में देखे गए $85 प्रति बैरल के स्तर से नरम हुई हैं, लेकिन अब भी दाम सालाना आधार पर 44% अधिक लगभग $74 प्रति बैरल के स्तर पर है। कोरवलिन ने कहा है कि ओपेक ने हाल की नरमी को समायोजित नहीं किया है, जिससे तेल को अवधारणा और बुनियादी चीजों के संबंध में एक और अल्पकालिक आघात का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी और गिरावट से अब सीधे तौर पर आपूर्ति हतोत्साहित होती है, जो नए घाटे और अधिक दामों के लिए हमारे मध्य अवधि के पूर्वानुमान का समर्थन करती है। हालांकि किसी भी किस्म से संबंधित मांग में नरमी की तय सीमा अस्पष्ट बनी हुई है, लेकिन दाम अधिक नीचे जा चुके हैं और वो ओवर रेट वाले जींस बने हुए हैं और 12 महीने में 28.5% प्रतिफल का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के अनुसार तेल की कीमतें वर्ष 2022 की अवधि के दौरान निरंतर खुलने वाली अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख लाभार्थी बनी रहेंगी। जेपी मॉर्गन का मानना है कि वर्ष 2022 के दौरान अमेरिका में आपूर्ति इजाफे की तेज रफ्तार की उम्मीद के बावजूद जुलाई 2023 में ही कोविड से पहले वाली मात्रा के स्तर तक लौटने की संभावना है। प्रमुख वैश्विक बाजार रणनीतिकार और जेपी मॉर्गन में अनुसंधान के वैश्विक सह प्रमुख मार्को कोलोनोविक ने हुसैन मलिक के साथ एक रिपोर्ट में लिखा है कि वैश्विक तेल बाजार का स्टॉक 5 साल की सीमा से कम वाले दायरे के साथ संतुलित रखते हुए ओपेक वे अन्य देशों पर वर्ष 2022 के दौरान मजबूती से नियंत्रण बना रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप वो उम्मीद करते हैं कि ब्रेंट तेल की कीमतें अगले साल के दौरान बढ़ेंगी, जो वर्ष 2022 में औसतन $88 प्रति बैरल और वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान $90 प्रति बैरल का स्तर पार कर लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।